हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। Xiaomi अपना Redmi Note 9 इंडिया में लॉन्च करने वाला। ये फोन भी एक मिड रेंज फोन होगा जिससे कि हम जैसे मिडिल क्लास बंदे भी इसे इजीली परचेस कर पाएंगे, इसलिए इस फोन का प्राइस भी अंडर 15,000 ही। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसकी स्क्रीन साइज की, तो 6.5 इंच का इसका फुल HD वाला और IPS पैनल वाला डिस्प्ले रहने वाला। ये फोन आपको दो वेरिएंट में मिलेगा। पहला वेरिएंट है इसमें 3GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ में, दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसे आप 512GB तक एक्सपांड कर सकते। बात करें सिम स्लॉट की, तो इस फोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया हुआ है। वहीं बात करें प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसमें मीडियाटेक का हेलियो G85 प्रोसेसर यूज किया गया। दोस्तों ये फोन और प्रोसेसर दोनों ही नए हैं, क्योंकि इस प्रोसेसर को इससे पहले किसी भी फोन में यूज नहीं किया गया। और साथ ही इसमें आपको 40 FPS तक का पबजी खेलने का मजा भी मिल पाएगा। हालांकि G90T से आप 60 FPS तक पबजी खेल सकते थे। ओवरऑल अंडर 15,000 का एक अच्छा प्रोसेसर आपको भी मिल रहा है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको मिलेगा। वहीं फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और मेरे ख्याल से इसकी कैमरा क्वालिटी भी जबरदस्त होगी। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। बैटरी के बिना आपका स्मार्टफोन कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके इस फोन में जो बैटरी आने वाली है वो है 5020 mAh की, ठीक है, जो कि 18 वाट तक के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगी। इसके साथ आपको जो चार्जर मिलने वाला है वो 22.5 वाट का होगा। इस फोन का जो बैक है उसमें पॉलीकार्बोनेट का यूज किया गया, यानी इसका बैक प्लास्टिक का है। सो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन Redmi Note 9 और इसी के साथ अब वीडियो होती है खत्म। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।